नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली आप सर्वेदाते आज आपके सामने एक बार फिर। और आज जो है मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसकी हम किसानों को भी ज़रूरत है और जैसा जैसा आगे समय आता जा रहा है उसके हिसाब से इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और जिसकी मैं बात करूँ कि हमारा जो ड्रिप सिस्टम जो है खेती के अंदर, वो आपने देखा होगा जितने भी पॉली हाउसेज हैं उसमें तो वो प्रॉपर उसी के ऊपर यूज़ किया जाता है, लेकिन अब जो है ओपन फील्ड में भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और मेरे साथ जो है मेरे बहुत अजीज मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, एसपी सिंह जी हैं और किसान क्लब जो है उसके ये हमारे प्रेजिडेंट भी हैं, बहुत पुराने हमारा जो है संपर्क रहा है। तो आज मैं जो है आपके बीच में एसपी सिंह जी को लेके आ रहा हूँ, ये आपको बताएंगे कि अगर हम अपने खेत में ड्रिप लगाते हैं, फुवारा सिस्टम अगर लगाते हैं, उसका हमें फायदा क्या होगा और उसकी कॉस्ट जो है वो हमें क्या पड़ने वाली है और किस किस ब्लॉक में जो है ये सुविधा हमें मिल सकती है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के जो डार्क जोन है, सरौरा, मुस्ताबाद, रदौत और जगाधरी, इन डिस्ट्रिक्ट के 151 गांव में सरकार ने अटल भूजल योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर 100% सब्सिडी का प्रोविजन रखा है। और ये सिर्फ जीएसटी लेवी फार्मर से, जो स्प्रिंकलर पे लगभग 5500 रुपये और ड्रिप सिस्टम के ऊपर लगभग 6500 रुपये होगा। और ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने का फ़ायदा क्या है कि यदि मैं फॉर एग्जाम्पल बात शुगर केन की करूँ तो, या ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। उसके अलावा आपकी पानी की बचत लगभग 40% हो रही है, फर्टिलाइजर 40% सेव हो रहा है, पेस्टिसाइड भी आपका लगभग 35 से 40% सेव होता है। दूसरी चीज़, खरपतवार वीड्स कंट्रोल होते हैं और हमें जितनी ज़रूरत है उतना पानी हम देते हैं। इसी तरह में आलू में आ जाएँ हम, यदि बीट में स्प्रिंकलर की बात करें तो बीट में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और फ्यूचर में हमें पानी की कमी को देखते हुए इन सब चीज़ों की तरफ जाना होगा, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जल ही जीवन है सरकार नारा लगा रही है। तो मैं किसान भाइयों से एक अनुरोध करूँगा कि बड़े एरिया में नहीं जाना चाहते, कम से कम एक एकड़ से स्टार्ट करें। यदि आपको रिजल्ट मिलेंगे तो उसका धीरे धीरे एक्सटेंशन